नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। इस मौके पर विधायक चौधरी बाबूलाल के साथ विधायक छोटेलाल वर्मा ने नियुक्ति पत्र वितरण किए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। इस मौके पर कुल 97 यानी कि 97 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक चौधरी बाबूलाल और विधायक छोटेलाल वर्मा ने मंच पर मौजूद रहकर चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र नियुक्त आए हुए लोगों को दिए गए। नियुक्ति पत्र पाने वाले लेखपालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभी का कहना था कि लंबी लड़ाई के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिले हैं। उनकी लड़ाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी गई। यहां से जीत मिलते ही सरकार ने तत्काल प्रभाव से नियुक्ति पत्र देकर उन सभी का उत्साहवर्धन किया है। सभी लोग नियुक्ति पत्र पाकर अपने काम में जुटने की बात कही है। देखिए किस प्रकार, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सभी लोग नियुक्ति पाकर देखिए किस प्रकार खुश नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है, यानी कि लेखपाल चयनित लेखपालों ने कहा है कि वह पूरी ईमानदारी निष्ठा और सेवा के साथ सभी लोगों का कार्य करेंगे और जहां गरीबों का काम करेंगे वहीं देखिए देश हित में कार्य करने की भी उन्होंने बात कही है। तो जानिए सभी नियुक्ति पत्र पाकर लेखपालों ने किस प्रकार खुशी जाहिर की है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नियुक्ति पत्र से पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और देखिए आप सभी देख रहे हैं तस्वीरों में, वहीं विधायक चौधरी बाबूलाल ने सभी लेखपालों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। वहीं ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए नियुक्ति पत्र पाकर महिलाओं के साथ साथ पुरुष लेखपाल भी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है अब वो अपने पैरों पर देखिए किस प्रकार उन्होंने खड़े होकर और सही कार्य करने का भी उन्होंने संकल्प लिया है और देश हित में साथ ही साथ गरीबों को मजदूरों का कार्य करने की भी बात कही है। तो जानते हैं नियुक्त पाकर लेखपालों से, और आपको बता दें चौधरी बाबूलाल विधायक फतेहपुर सीकरी से इस आयोजन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। नाम सर प्रिया तिवारी नाम है मेरा जी। अच्छा लग रहा है, इंडिपेंडेंट हो गए आज एंड सक्सेसफुल फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टी लॉयल्टी और कोशिश करेंगे कि अपने समाज को और आगे लेके जाएं, अच्छा काम करेंगे। हाँ जी नहीं जो भी है, लेकिन अपनी एक लॉयल्टी होती है, जैसे अपनी एक क्या बोलते हैं उसको, लॉयल्टी होती है अपनी। हाँ मेरा नाम वर्तिका फौजदार है, मैं आगरा से हूँ, मैं करावली तहसील में पोस्टेड हूँ और बहुत खुशी हो रही है आज, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब वेट कर रहे थे हम इस चीज़ का कि कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, कब हम तैनात होंगे और कब हम ज्वाइनिंग करेंगे और आगे का काम चालू करेंगे, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका यादव है। आज नियुक्ति पत्र मिला, कितने उत्साहित हैं? काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है इसके लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद में हमें नियुक्ति पत्र मिल रही है और इतनी सारी रुकावटों के बाद ये नियुक्ति पत्र गवर्नमेंट दे पा रही है, तो काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए। क्या नाम? क्या सिद्धार्थ सिंगल जी, आज नियुक्ति पत्र मिला है, उत्साहित है? बहुत उत्साहित हूँ आज मैं, और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत दिनों से रुकी हुई थी, आज मुख्यमंत्री जी ने जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं बहुत खुशी की दिन है आज, मुझे लेखपाल का नियुक्ति पत्र मिला है। नाम क्या? रॉबिन सिंह नाम है। आज नियुक्ति पत्र मिला आपको? जी आज नियुक्ति पत्र मिला है। जी आज नियुक्ति पत्र मिला है। कितने उत्साहित हैं आप? क्या बहुत उत्साहित हैं आज, अच्छा लग रहा है काफी, काफी दिनों से रुकी हुई थी प्रक्रिया। हाँ स्टे लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो आज वो कल स्टे हट गया था, फिर आज तत्काल में उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण कराया है। हाँ लेखपालों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, इस मौके पर आदरणीय अपने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और देश के
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने ये कितनी बढ़िया प्रक्रिया अपनाने के बाद जो लेखपालों को नियुक्ति हुई है उनमें बिना सिफारिश के, बिना किसी खर्चा के और बिना भेदभाव के जो नियुक्ति हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं सभी लेखपालों को शुभकामना देते हुए यही अनुरोध करूँगा, यही हम लोग आशा करेंगे वो गरीबों को किसानों के प्रति अपनी ईमानदारी के साथ और सरकार के नाम को देखते हुए हमारे नेताओं के प्रतिष्ठा को और अपनी परिवार की परिवार की अपने इज्जत को देखते हुए आप ऐसा कोई काम नहीं करें बेईमानी का या पैसा, ईमानदारी के साथ किसानों के साथ गरीबों के साथ व्यवहार करें, जैसे कि बहुत अच्छा एक संदेश प्रदेश में जाए। मैंने इन शब्दों के साथ सभी लेखपालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना पहली दफे इतनी संख्या में लेखपालों की नियुक्ति की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबी न्यूज़।